मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम एक प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो स्किल इंडिया के अंदर है एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है सीएलपी। सीएलपी मतलब क्या? कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बताने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? यस। ओके, मुझे आप बताइए कि आप टूथपेस्ट यूज करते हो? आप करते हो? ओके। आप साबुन यूज करते हो? सोप? यस। शैम्पू यूज करते हो? यस। राइट। कपड़े धोने का लिक्विड? यस। बर्तन क्लीनिंग का लिक्विड? यस। कपड़े धोने की पाउडर? यस। राइट। बच्चों के लिए कुछ बोर्नविटा वगैरह लाते होंगे? राइट। हेयर ऑयल लाते हैं? कुकिंग ऑयल? फेस वॉश? स्क्रब? कुछ मसाज क्रीम वगैरह? घर में जो डेली चीजें लगती है, चाहे साबुन, शैम्पू, कॉफी पेस्ट, राइट, बहुत सारी चीजें हम ऐसे घर में रेगुलर लाते हैं, बराबर। इसका करीबन कितना एक्सपेंसेस होता है मंथली? 5,000 तक। ऑलमोस्ट 4,000 पकड़ लेते हैं एवरेज, राइट। 4,000 तक का एक्सपेंसेस हर घर का होता है, राइट। ये आप कहाँ से लाते हो? डीमार्ट मॉल, बिग बाजार, पतंजलि, राइट, मेडिकल, किराने की शॉप, राइट। ये लोग क्या आपको डिस्काउंट देते हैं? बिल्कुल नहीं। डिस्काउंट नहीं मिलता है, राइट। कुछ गिफ्ट मिलता है एवरी मंथ? नहीं मिलता है। कोई सब्सिडी या कुछ कैशबैक आपके अकाउंट में आता है? नहीं आता है। अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो वेस्टीज नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं। ये स्किल इंडिया अप्रूव्ड है, ठीक है। इनके 5,000 से ज्यादा शॉप्स है अलग अलग जगह पे पूरे इंडिया में, ठीक है। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो खुद मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, राइट। 15 ईयर इस ऑर्गेनाइजेशन को हो चुके हैं, मतलब ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, राइट। और ये ISO स्टैंडर्डाइज है, ये बहुत जरूरी बात है, राइट। और इसके अलावा करीबन 2000 करोड़ का इनका टर्नओवर है, राइट। अभी इन्होंने क्या किया है, एक कंसिस्टेंसी ऑफर दिया है हमें। जो कस्टमर लॉयल रहेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफर। अभी देखिए, आप भी कोलगेट के साथ लॉयल है? जब बचपन से हम कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हैं? कोलगेट। हम कोलगेट के साथ लॉयल है। कोलगेट ने आज तक हमें कुछ दिया? नहीं। ना एक लेटर भी मिला थैंक यू का कि आप हमारा पेस्ट यूज कर रहे हो? नहीं। तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर प्रोडक्ट लेते हो तो ये कंसिस्टेंसी ऑफर दी है कि 3,000 के प्रोडक्ट जो डेली लगते हैं, 3,000 के प्रोडक्ट एक करीबन जितने भी लगते हैं, 3,000 के डुप्लीकेशन में कितना भी परचेस आप कर सकते हो, 3,000 के 4 कंसिस्टेंसी भी कर सकते हो, 3,000 के प्रोडक्ट रेगुलर 4 मंथ्स, 12 तारीख से पहले अगर हम परचेस करते हैं तो चौथे महीने में 2,500 के प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिलेंगे। क्या आपका दुकानदार आपको ये दे रहा है ऑफर? नहीं। अभी ये आपने 4 महीने का किया, मतलब 12,000 आपका एक्सपेंसेस बाहर से होने ही वाला है। अगर आपने यहाँ से नहीं किया तो भी होगा ये एक्सपेंसेस। यहाँ पे वेस्टीज ने क्या किया, हमें एक बहुत अच्छा ऑफर दिया कि 10-20% डिस्काउंट दिया, जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा था, राइट। यहाँ नहीं मिल रहा है, वेस्टीज से आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10-20%, मतलब करीबन आपको 3,000 पे 20% का भी डिस्काउंट अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 4,000 के प्रोडक्ट 3,000 में मिले, सॉरी 3,600 के प्रोडक्ट आपको 3,000 में मिले, मतलब 600 रूपये आपके 22 मंथली बच गए, राइट। 4 महीने के कितने हुए? 2,400। ये हुआ आपका सेविंग, बराबर। जो बाहर से आप लेने वाले थे आपको 10-20% डिस्काउंट मिला। इसके अलावा 10% का आपको होगा रिपर्चेस प्रॉफिट, मतलब 2 तारीख से 17 तारीख तक एक रेगुलर ऑफर रहती है, इसमें आप 10% के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको कंपनी, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट दे देगी। 3,000 पे 300 रूपये के प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिलेंगे, मतलब 4 महीने के कितने हुए? 1,200 के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे गिफ्ट। ये हो गया प्रोडक्ट गिफ्ट। इसके अलावा आपको आपके अकाउंट में सब्सिडी या कैशबैक आएगा। आपको कैशबैक आता है? नहीं। तो यहाँ पे आपको कैशबैक भी आएगा, करीबन 700 रूपीज इसका कैशबैक हम काउंट कर लेते हैं, तो टोटल हुआ
6,800, ये आपको रिटर्न मिलेगा अलग अलग टाइप से। आपका आप जहाँ से परचेस आज तक कर रहे हो, आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट हो रहा है? नहीं। आपने क्या किया, आपने जस्ट दुकान बदली और वेस्टीज से प्रोडक्ट लेना शुरू किया, तो आपको ऑलमोस्ट 64% का प्रॉफिट हुआ हर 4 महीने में, राइट? अगर आप ये एक साल का देखोगे तो कितना होता है, तो मतलब एक साल का 20,400 प्रॉफिट हुआ, राइट? ये आपको बाहर से नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको बस दुकान बदल के प्रॉफिट मिलेगा। सबसे जरूरी बात, यहाँ पे आप एक आध LIC का इंस्टॉलमेंट भर सकते हो ये पैसों से, राइट? आप 5 ग्राम 6 ग्राम गोल्ड कर सकते हो अपने घर के लिए, एक आध कार का बाइक का इंस्टॉलमेंट भर सकते हो, राइट? अभी यहाँ पे ये पैसा जो है वो जा रहा है दुकानदार को, बराबर? अभी समझिए, आप मार्केट में जा रहे हो, कोई सब्जी खरीद रहे हो, क्या आप सब्जी 20 रूपये की लेके आते हो? कम करते हैं, राइट? थोड़ा बहुत कम करके लेके आते हैं। कितने ये सब्जी वाली ने नहीं दिया तो हम क्या करते हैं? दूसरे के पास जाते हैं, फिर दूसरी ने नहीं दिया तो घर जाते हैं, राइट? तो मतलब हम 2-3 रूपये के पीछे 15-20 मिनट वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 900 रूपीज आपके पर मंथ सेविंग हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, वेस्टीज से प्रोडक्ट लेने चाहिए? चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन मुझे, जैसे मेरा MBA हुआ है, तो मुझे सबसे जरूरी क्वेश्चन ये आया कि अरे इनको 64% देना, इनको कैसे अफोर्डेबल होता है, राइट? आपको, आपके मन में भी यही सवाल आया होगा। तो एक एग्जांपल देती हूँ, लक्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3 रूपये का। हम कहाँ से लाते हैं? दुकानदार से। दुकानदार कहाँ से लाता है? होलसेलर से। होलसेलर लाता है स्टॉकिस्ट से। स्टॉकिस्ट लाता है बड़े स्टॉकिस्ट से, राइट? बड़ा स्टॉकिस्ट या मैन्युफैक्चरर से। इसके अलावा एक बड़ा एक्सपेंसेस होता है इसमें, वो होता है एडवर्टाइजिंग। अभी लक्स की एडवर्टाइज कौन कर रहा है? दीपिका पादुकोण, राइट? एक दिन के शूटिंग के उसको 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और डेली बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर उसके अकाउंट में 2,66,00,000 जाते हैं। मतलब हम साबुन यूज कर रहे हैं, 2-2.5 करोड़ उसको जा रहे हैं, राइट? तो फिर ये कस्टमर को जो मिल रहा है 35 रूपीज का, बराबर? इसके BMW का इंस्टॉलमेंट कौन भर रहे थे? हम भर रहे हैं। इसका घर भी हम चला रहे हैं, इसके बच्चों की फीस भी हम भर रहे हैं, इसके घर में वाइफ को गोल्ड भी हम ही कर रहे हैं, इसके 5-6 ग्राम जो गोल्ड आ रहा है वही हम कर रहे हैं, इसके कार का इंस्टॉलमेंट हम भर रहे हैं, इसका घर ही हम चला रहे हैं, राइट? वेस्टीज ने क्या किया, इन सबको हटा दिया और मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, राइट? मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कस्टमर, इसको बोलते हैं, इस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अभी आप ही परचेस कर रहे हो और आपको 64% देना है, ये कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने क्या किया, एक आपको कंज्यूमर आईडी नंबर दिया, राइट? यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑथोराइज है, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो देना है, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी। ये देखिए, आप आपका फॉर्म साइन कर सकते हो, कंज्यूमर आईडी आपको मिलेगा, इस पे आपने परचेस करना है और ये ऑफर लेनी है, राइट? अभी ये हो गई प्रोजेक्ट की बात। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। yes. आप सबको अच्छा लगा। इसमें हम बेनिफिट खुद ले सकते हैं, राइट? अभी ये प्रोजेक्ट अगर आप मेरे साथ इसमें वर्किंग करोगे तो 6 महीने में कम से कम 50,000 पर मंथ आप कमा सकते हैं, अगर सही ढंग से सिस्टम से, जैसे मैं बताऊं वैसे वर्किंग करोगे तो। ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, आप जैसे अभी देखिए एडवर्टाइज आप करते हो, राइट? हमने बहुत सारी मूवीज देखी, सैराट देखी, कितने लोगों को बताया? सब। बहुत सारे। बाहुबली देखी, कितने लोगों को बताया? सबको। वहां पे 1200 करोड़ का टर्नओवर हुआ, हमें क्या मिला? एक नजदीक का अच्छा होटल होता है, आप रेस्टोरेंट के बारे में कितनी पब्लिसिटी करते हैं? एक डॉक्टर अच्छा होता है, उसके बारे में कितनी पब्लिसिटी करते हैं? ये डॉक्टर अच्छा है, उसके पास जाओ। लेकिन हमें एडवर्टाइज का पैसा नहीं मिल रहा है, राइट? इवन हम फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मॉर्निंग 100 लोगों को गुड मॉर्निंग भेजते हैं, फायदा किसको हो रहा है? फेसबुक के ओनर को, राइट? तो हमें अगर अपना फायदा सोचना है, फायदे की बात सोचनी है, तो ये प्रोजेक्ट आप प्रोडक्ट खुद यूज करो और लोगों को बताओ। अभी अगर आपको ये अच्छे लगेंगे प्रोडक्ट, तो आप कितने लोगों को डेली बता सकोगे? 4 से 5? 10-12? अच्छा, 5 ही पकड़ लेते, अपना घर संभाल के, मैनेज करके, टाइम सारा निकाल के, ऑफिस एंड बाकी सारी चीजें देख के 5 लोगों को आपने बताया। 30 डेज आपने आते जाते लोगों को बताना शुरू किया इस प्रोजेक्ट के बारे में, 150 लोग हो गए, बराबर?
अभी हम चार ही मंथ का कैलकुलेशन करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, फोर मंथ्स, राइट। सितंबर में आपने खुद ने प्रोडक्ट लिए, बराबर, अभी खुद ने प्रोडक्ट लिए और ये 4000 का प्रोडक्ट के हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। इसमें जो कैलकुलेशन है वो पीवी के ऊपर है, 1 PV इज इक्वल टू 30 रूपीज। 4000 रूपये का प्रोडक्ट मतलब 125 PV हुआ, राइट। आपने खुद ने लिया, 150 लोगों में से कितने लोग आपकी बात मानेंगे? 2, 3, 4, 5 लोग मान सकते हैं। एवरेज पकड़ लेते कि 6 लोग आपकी बात इस महीने मानेंगे, तो आपकी टोटल टीम परचेस करने वाली हो गई 7 लोगों की। यहाँ पे आपको 2545 का प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? एक तो आपका सेविंग होगा, दूसरा आपका प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा और तीसरा आपको कैशबैक भी आएगा। इसके अलावा अगर 6 लोगों को आप बता रहे हो तो 2500 का प्रोडक्ट आपको गिफ्ट भी मिलेगा एक्स्ट्रा, तो मतलब 5045 ये टोटल आपको प्रॉफिट होगा, राइट। अभी आपने परचेस किया 4000 का और आपको 5045 रूपये की टोटल प्रॉफिट इस महीने की प्रॉफिट हुआ आपका टोटल, तो मैंने फर्स्ट ही मंथ में आपके टोटल प्रोडक्ट फ्री कर दिए, राइट। ये बात अगर ये 6 लोगों को हम समझाएंगे, ये बात अगर हम 6 लोगों को समझाएंगे तो ये लोग बात मानेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि इनके भी प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे, राइट। ये 6 लोगों ने भी 5 लोगों को डेली बताया, 30 डेज आते जाते बताते रहे, 150 लोग हो गए, लेकिन उनकी भी 5% ही हम रेशियो पकड़ रहे हैं सक्सेस का। 5% तो हर एक को मिल सकता है सक्सेस, राइट। 6 × 6 = 36 हो जाएंगे। यहाँ पे करीबन आपको 6000 रूपये का चेक आता है, राइट। मतलब आपका सेविंग भी हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट गिफ्ट भी मिलेगा और आपका जो कैशबैक है उसकी जगह पे आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके आगे 36 लोगों को अगर आपने 6000 का चेक आपका दिखा दिया तो ये लोग भी मानेंगे, ये लोग भी काम करेंगे। 36 × 6 = 216 हो जाते हैं। पहले मैंने 5000, दूसरे महीने 6000, तीसरे महीने कितनी इनकम बन सकती है सबको लगता है? 8 से 10 हजार। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन की वजह से आपका 60000 का चेक आता है। यही मेरा कल है इस बिजनेस का, राइट। क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को बताते जाएंगे उतना आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अभी ये 216 लोगों ने भी 6 लोगों को बताया, 1296 लोग हो गए टोटल मिला के, 1555 लोग, राइट। इंटू अगर 125 PV का परचेस कर रहे तो आपकी इनकम 5,66,122 पर मंथ हो सकती है। अगर 5 लाख पर मंथ कमाना है तो इतने लोगों को हमने फटाफट प्लान बताना होगा। हम कैलकुलेट करते कि 4 महीने की जगह 1 साल भी लग जाए, 1 साल में 5 लाख देने वाली कोई बिजनेस, कोई जॉब आपके पास है? नहीं। अभी अगर 1555 लोगों ने 2500-4000 की जगह 1000 का भी प्रोडक्ट अगर परचेस किया तो भी आपकी इनकम 2,41,000 पर मंथ हो सकती है। तो अगर 2.5 लाख पर मंथ कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा बिजनेस वर्किंग है। पुणे से मैं रसिका कुलकर्णी, थैंक यू सो मच। इस प्लान से जुड़िए, वेस्टीज से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और सपने पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू।